गाइस वेलकम बैक टू टेक्निकल मंडी यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप सो यार सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज की ये वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कस्टम कर्नल के बारे में, और जहाँ पे जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो FKM यानी कि फ्रैंको कर्नल मैनेजर जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो, तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले थोड़ा सा हम पता कर लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं कि आखिर कर्नल क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई कस्टम कर्नल के अंदर क्या डिफरेंस होता है और जो फ्रैंको कर्नल का आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उससे पहले हम छोटी सी इंट्रो प्ले कर लेते हैं और उसके आगे फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर कर्नल क्या होता है, ठीक है। जो कर्नल होता है वो क्या काम करता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बीच में, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप को काफ़ी ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको उसके अंदर कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, माइक की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसे अगर आप फोटो वगैरह क्लिक करते हो तो कैमरे के थ्रू ही होती है, तो अगर आप ऑडियो किसी को मैसेज भेजते हो, ऑडियो के अंदर मैसेज भेजते हो, वो भी आपके माइक के थ्रू ही जाता है। तो इसमें जो व्हाट्सएप है वो एक सॉफ्टवेयर है और आपका जो डिवाइस है वो एक हार्डवेयर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आता है कर्नल। कर्नल क्या करेगा, पहले सॉफ्टवेयर के अंदर चेक करेगा इसको क्या क्या परमिशन चाहिए। अगर उसको आप मैसेज सेंड कर रहे हो व्हाट्सएप पे किसी को, तो आपको क्या चाहिए भाई, सीधी सी बात है, ऑडियो मैसेज भेज रहे हो तो आपको माइक की परमिशन चाहिए। तो अभी वो कर्नल के पास जाएगा, कर्नल आगे हार्डवेयर के अंदर चेक करता है कि भाई इसके अंदर जो माइक है वो हार्डवेयर के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होता है तो वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। तो अगर माइक नहीं लगा हुआ हो डिवाइस के अंदर तो वो कम्युनिकेशन नहीं करवा पाएगा, यानी कि आप ऑडियो जो है वो नहीं भेज पाओगे, ठीक है। तो या फिर अगर आपका माइक ख़राब है वो कम्युनिकेशन तो करवा देगा बट ऑडियो रिसीव नहीं करेगा, ठीक है ना। ये एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ का प्रॉब्लम है वहाँ पे। बट वहाँ पे अवेलेबल है तो वो उस एप्लीकेशन को यानी कि उस सॉफ्टवेयर को अवेलेबल करवा देता है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ है तो इसके अंदर ये काम कर सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप समझ गए होगे जो कर्नल है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाने का काम करता है, जहाँ बोल सकते हैं दोनों को कम्युनिकेशन करने के अंदर काम में आता है, ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कस्टम कर्नल के बारे में। तो जो मेन कर्नल आता है यानी कि जो स्टॉक कर्नल देखने को मिलता है आपको रोम के अंदर, और जो कस्टम कर्नल होता है उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, तो उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रैंको मैनेजर एप्लीकेशन के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं जो आपको कंपनी की तरफ से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर प्री इंस्टॉल मिलता है कर्नल, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई अगर आप ज़्यादा परफॉर्मेंस के ऊपर खेलना चाहते हो ज़्यादातर वो परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने आपके डिवाइस को उसी तरह से कर्नल को परमिशन प्रोवाइड की होती है कि डिवाइस इतना परसेंट बैटरी ड्रेन करेगा तो उसके बाद CPU की परफॉर्मेंस इतनी हो जानी चाहिए, ठीक है। ये कर्नल के अंदर कोड होता है, सब जो कर्नल होता है पूरे डिवाइस को कंट्रोल करता है कि अगर अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रहा है या ज़्यादा बैटरी ले रहा है तो वो क्या करेगा, कर्नल उस एप्लीकेशन को कम पावर प्रोवाइड करेगा तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्लो वर्क करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिए अगर हम गेमिंग वगैरह करते हो तो जो कर्नल होता है वो क्या करेगा, अगर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहा है पहले तो जहाँ तो आपका डिवाइस हीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि ओवरहीट हो रहा है, तो या फिर आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रही है वो गेम वगैरह, तो वो क्या करेगा कर्नल आपके CPU एंड GPU को भाई यहाँ पे जो पावर है उसकी डाउन कर देगा, उसको कमांड रन करेगा पावर डाउन करने की, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो पावर है वो डाउन हो जाएगी और गेम के अंदर आपको लैग वगैरह देखने को मिलता है फिर, या फिर FPS ड्रॉप वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ होती है भाई जो मेन कर्नल होता है उसके अंदर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कस्टम कर्नल के बारे में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो कस्टम कर्नल होता है हालांकि आपका जो मेन कर्नल होता है उसी को लेके यहाँ पे पोर्ट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या पोर्ट किया जाता है, पहले तो वो आपके जो पोर्ट कर रहा है जो अभी डेवलपर उस कर्नल को क्रिएट कर रहा है तो वो जो कर्नल है उसी तरह से क्रिएट किया जाता है, यानी जो फर्स्ट पहले वाला आपका जो कर्नल होता है उसी के सोर्स कोड के ऊपर उसको, ठीक है, वैल्यूज चेंज करके उसको प्रोवाइड किया जाता है। काफ़ी सारे जो बंदे होते हैं वो कर्नल का नाम चेंज कर देते हैं, जैसे कोई भी कर्नल का नाम रखती है बाद में, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ भी नाम ले लो आप किसी भी कर्नल का ले सकते हो। तो वो जो कर्नल है बेसिकली वो आपका जो मेन कर्नल होता है डिवाइस का वही होता है, बस उसके अंदर जो परमिशंस होती हैं वो थोड़ी बढ़ा दी जाती है, वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं, जिसको आप कस्टम कर्नल बोलते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है कर्नल के अंदर। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका डिवाइस ओवरहीट हो रहा है तो परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, ठीक है, तो वहीं पे जो परसेंट डेट होती है हीट होने की जो डिग्री होती है यानी 40 डिग्री हीट हो गया, ठीक है, डिवाइस तो वो परफॉर्मेंस कितनी कम करेगा
ठीक है, सीपीयू एंड जीपीयू, वो उस कर्नल के अंदर ही आपको कोड दिया जाता है। तो एग्जांपल के लिए अगर आपने कस्टम कर्नल यूज कर रहे हो, तो जिस तरह से उसके अंदर डेवलपर ने उसको प्रोग्राम किया होगा कि भाई अगर डिवाइस यहाँ पे 42 या 40 पे जाके हीट होगा तो सीपीयू की पावर डाउन होगी, और कितनी डाउन होगी वो भी उस कर्नल के अंदर ही, वैल्यू के अंदर ही पता चलता है कि भाई जो डेवलपर ने क्रिएट किया वो आखिर उसके अंदर कितनी वैल्यू प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो कस्टम कर्नल होते हैं वो थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जो अगर थोड़ा बहुत डिवाइस हीट होता है तो वो फिर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता रहता है। ठीक है, बट उसके अंदर भी डिटेक्शन रखनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि डिवाइस जो है ओवर हीट होता रहे और जो यूजर है वो यूज करता रहो तो एकदम से जो डिवाइस है वो डेड भी हो सकता है। तो इसलिए उसके अंदर भी थोड़ी बहुत डिटेक्शन होती है कि भाई इस चीज को इतनी वैल्यू पे ही रन करवाना है। ठीक है, जो होता है कस्टम कर्नल के अंदर। तो अगर हम बात करें कि दोनों के बीच में बेस्ट कर्नल कौन सा रहता है, कस्टम कर्नल रहता है या फिर आपका जो दूसरा कर्नल होता है, दोनों के बीच में ठीक है बेस्ट कौन सा है, तो काफी सारे बंदों को लगता होगा भाई जो कस्टम कर्नल है वो ज्यादा बेटर काम करता है। देखो भाई, वो बेटर इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, उसको थोड़ा सा भाई आप देख सकते हो, उसको थोड़ी सी जो है फ्रीडम दे दी गई है कि भाई तू जहाँ तक और काम कर सकता है, चाहे डिवाइस इतना हीट हो गया, जब बैटरी इतने परसेंट रह गया तो फिर भी इतनी परफॉर्मेंस के ऊपर चीज़ों को रन करवा सकता है। ठीक है, तो वही यही चीज़ आप सेम कर्नल के ऊपर भी कर सकते हो जो कि आपका जो डिवाइस है कंपनी ने आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे एक चीज़ अलग कर लो भाई, यहाँ पे कि ओवरक्लॉकिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, जो आप कस्टम कर्नल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सब नॉर्मल ही कस्टम कर्नल भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, कोई एक दो ही कर्नल होगा जिसके अंदर जो वैल्यू वो बड़ा बहुत बढ़ा दी जाती है, यानी कि ओवरक्लॉक किया जाता है। जो आप बेसिकली कर्नल यूज करते हो, किसी के अंदर भी सीपीयू को ओवरक्लॉक नहीं करते ज्यादातर डेवलपर, अगर करते हैं तो उसके साथ पहले आपको बता देते हैं कि भाई वॉर्न कर देते हैं कि इसके अंदर जो परफॉर्मेंस है वो ओवरक्लॉक की गई है। ठीक है ना, तो अगर डेवलपर ने ये चीज मेंशन नहीं की हुई कि भाई इसके अंदर ओवरक्लॉक किया है, तो मतलब उसके अंदर ओवरक्लॉक नहीं किया, वैल्यू सेम है, बस उसको उस वैल्यू के ऊपर ज्यादा टाइम रन करवाने की परमिशन प्रोवाइड करवाई है। एग्जाम्पल के लिए अगर सीपीयू की पावर 1000 दी गई है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं सीपीयू की पावर 1000 है, तो अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसको कितनी देर यहाँ पे 1000 परफॉर्मेंस के ऊपर ही रन करवाना है, यानी कि 1000 पावर के ऊपर ही रन करवाना है, और कितनी देर उसको कम कर देना है, या 800 कर देना है, या 500 कर देना है, यही चीज़ वैल्यू जो होती है वो चेंज की गई है। ठीक है, वो कितने टाइम तक रन कर सकता है, कितनी हीटिंग तक वो उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख सकता है, यही चीज़ जो होती है कस्टम कर्नल के अंदर चेंज करते हैं ज़्यादा डेवलपर। ठीक है, कुछ डेवलपर होते हैं उस जो 1000 वाली वैल्यू उसको 1200 कर देंगे, 1300 कर देंगे, ठीक है, वो होती है ओवरक्लॉकिंग। तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है वो बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी, फिर हम चलेंगे भाई दूसरा जो एप्लीकेशन उसके बारे में बात करेंगे। तो जो ओवरक्लॉकिंग होती है उसके कारण डिवाइस हीट होगा, पर ज़्यादातर जो परफॉर्मेंस है वो उतनी देर तक अवेलेबल नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो अगर हार्डवेयर ज़्यादा जलना शुरू हो जाएगा तो आपके डिवाइस डेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए डेवलपर जो उसके अंदर भी डिटेक्शन रखते हैं कि भाई जब इतना हीट हो जाएगा डिवाइस जो ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा परफॉर्मेंस, तो ओवरक्लॉकिंग को भी इतना अभी यूज़ नहीं ले सकते लॉन्ग टाइम तक। ठीक है ना, तो अभी बात करते हैं हम दोनों के बीच में बेस्ट कौन सा है। जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आप ओवरक्लॉकिंग को साइड पे रख देते हो ओवरक्लॉकिंग वाला, तो जो नॉर्मल कस्टम कर्नल है और दूसरा कस्टम कर्नल जो आपके रोम के अंदर आता है बाय स्टोर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि भाई दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है ना सीपीयू की वो सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर वो भी 1000 पे चल रहा है वो भी 1000 पे ही चल रहा है, बस चेंज यहाँ पे ये आता है कस्टम कर्नल के अंदर, आपको अगर डिवाइस आपका यहाँ पे 35 डिग्री तक हीट हो गया तो वो उतनी ही परफॉर्मेंस में रन करेगा। अगर 1000 पे चल रहा है तो अगर कस्टम कर्नल के अंदर 1000 ही परफॉर्मेंस उसको अवेलेबल कराई गई है, जो 30 डिग्री हीट हो जाता है, 35 डिग्री हीट हो जाता है, तेरे को उतनी ही वैल्यू पे रन करना है। ठीक है, तो अगर वहीं पे एक स्टोव कर्नल होता है जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है, तो उसके अंदर दिया होता है कि भाई तू 30 से या 35 डिग्री तक हीट होता है तो तेरे को परफॉर्मेंस हाफ कर देनी है, यानी कि 500 अवेलेबल करवा देनी है। ठीक है, तो यही चीज़ बस उसके अंदर जो वैल्यू हो जानी, एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको चेंज किया जाता है। तो मैक्सिमम कितनी फ्रिक्वेंसी के ऊपर रन करेगा और मिनिमम कितनी के ऊपर रन करेगा सीपी। ठीक है, यही जो सेम चीज़ आप बिना कस्टम कर्नल इंस्टॉल किए अपने स्टोक कर्नल के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहीं पे यूज आता है भाई आपका जो फ्रैंको कर्नल एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले भाई उसी चीज़ के बारे में। तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस को ओवरक्लॉक नहीं किया, यानी कि ओवरक्लॉक नहीं किया, अगर 1000 परफॉर्मेंस है, 1000 ही दे रहा है कस्टम कर्नल भी, ठीक है, एफिशिएंसी जो 1000 तक ही दे रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे 10000 ऐसे कुछ होती, ज़्यादा भी होती है, तो एग्जाम्पल के लिए हम 1000 लेके चल रहे हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाए। तो अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस कस्टम कर्नल के अंदर भी जो एफिशिएंसी की वैल्यू 1000 प्रोवाइड करवाई है, स्टोक कर्नल के अंदर भी 1000 है, तो दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, नहीं है, अगर आप उसके अंदर फ्रैंको कर्नल एप्लीकेशन यूज़ कर तो आपको जो है कस्टम कर्नल फ्लैश करने की फिर जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर आप जो
फ्रेंको कर्नल आप इसमें यूज करते हो, तो यही चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, फिर कोई भी डिफरेंस नहीं रहता अगर आप फ्रेंको कर्नल यूज कर रहे हो चाहे कस्टम कर्नल यूज कर रहे हो जिसकी ओवरक्लॉकिंग नहीं की हुई। ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रेंको कर्नल होता है उसका क्या काम होता है, जो फ्रेंको कर्नल होता है वो भी एक कस्टम कर्नल की तरह भी आता है, वो अभी अवेलेबल नहीं करवाता उसका डेवलपर, पता नहीं मेरे को क्यों, क्योंकि पहले रेडमी नोट 4 डिवाइस के अंदर भी चलता था वो कर्नल, एंड्रॉयड 8 या 9 के आसपास की बात है, तो मेरे पास रेडमी नोट 4 डिवाइस था तभी मैं उसका भी जो कर्नल है वो जिप फॉर्मेट में आता था, जैसे हम नॉर्मली दूसरे कर्नल फ्लैश करते हो कस्टम कर्नल वैसे वो भी फ्लैश होता था। ठीक है, तो अभी वो नहीं प्रोवाइड करवाता डेवलपर, उसने काम करना उसके ऊपर शायद छोड़ दिया उस चीज़ के ऊपर, तो अभी वो सिर्फ अपडेट देता है उसी एप्लीकेशन का जिसको बोलते हो आप फ्रेंको कर्नल। ठीक है, क्योंकि वो शायद इसलिए उसने छोड़ दिया क्योंकि आप जो कस्टम कर्नल होता है कुछ डिवाइस के लिए अगर उनको कोई ऑप्शन चाहती होती है चाहिए होती है वो अवेलेबल करवा सकता है डेवलपर, कोई ऑप्शन ऑफ है तो उसको ऑन कर सकते हो क्योंकि पूरा सोर्स कोड आपके पास होता है, आप किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ कर सकते हो कर्नल की। ठीक है, तो उसके अंदर जो HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस होता था तभी उसके अंदर वो भी ऑप्शन अनेबल देखने को मिलती थी। ठीक है, फ्रेंको कर्नल जो कस्टम कर्नल होता था उसके अंदर, तो अभी वो सिर्फ एप्लीकेशन ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम बात करने वाले उस एप्लीकेशन का यूज़ आखिर क्या, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप नॉर्मल कस्टम कर्नल यूज़ कर लो जिसके अंदर ओवरक्लॉकिंग नहीं की और जो दूसरा कस्टम कर्नल आपके डिवाइस के अंदर आता है, दोनों में बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं रहता अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ करते हो FK मैनेजर यानी फ्रेंको कर्नल मैनेजर वाला एप्लीकेशन यूज़ करते हो। तो देखो भाई यहाँ पे जो फ्रेंको कर्नल एप्लीकेशन होता है उसके अंदर आप परफॉर्मेंस को खुद मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो, आप खुद से तय कर सकते हो आप कितनी देर CPU की परफॉर्मेंस को हाई परफॉर्म वैल्यू के यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर यूज़ करना चाहते हो कितनी टाइम नहीं करना चाहते। ठीक है, आप खुद मैन्युअली उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है खुद से सिलेक्ट कर सकते हो CPU की एंड GPU की कि आप ज़्यादा परफॉर्मेंस पे रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, तो गेमिंग करते हो तो ज़्यादा कर लिया करो उसके बाद फिर उसको नॉर्मल कर दिया करो, क्यों इसलिए बोल रहा हूँ बाद में नॉर्मल किया करो क्योंकि अगर आप नॉर्मल नहीं करते उसको बाद में तो वो क्या होता है कि डिवाइस ऑटोमेटिकली रीबूट होता रहता है। जहाँ पे ऑटोमेटिकली रीबूट क्यों होता है, जहाँ पे थ्रॉटलिंग होती है जिसको आप थर्मल थ्रॉटलिंग बोलते हो ना भाई, वही थर्मल वाला इशू देखने को मिलता है। फिर अगर डिवाइस ज़्यादा हीट होता है आपको नहीं पता कि भाई जो प्रोसेसर है वो हीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई जो डिवाइस है वो तो अभी ठंडा है बिल्कुल नॉर्मल डिवाइस पड़ा है, फिर से रीबूट क्यों हो रहा हो अपने आप, क्योंकि भाई उससे पहले ही जो आपका CPU है ना भाई वो हीट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसको हीटिंग इशू हो चुका है, तो वो अगर आप ऑन रखोगे चाहे डिवाइस ऐसे लॉक पड़ा होगा वो ऑटोमेटिकली रीबूट होता है। ठीक है, काफ़ी सारे यूज़र मेरे को बोलते हैं कि भाई हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली रीबूट होता है, वो भाई इसीलिए होता है जो अभी जो आपका डिवाइस है वो थ्रोटलिंग कर रहा है उसको हीटिंग का इशू हो चुका है ऑलरेडी। तो आप क्या करो, अगर आप गेमिंग वगैरह खेलते हो उतनी देर कोई भी इशू नहीं होता। ठीक है, अगर आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो वो ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो रन कर रहा है, जैसे आप उसको नॉर्मली छोड़ोगे उसके बाद क्या होगा वो ऑटोमेटिकली रीबूट मारेगा डिवाइस को, या फिर आपका जो सैमसंग का डिवाइस है तो सैमसंग का लोगो आता रहेगा ऊपर, जैसे आप ऑन ऑफ करते टाइम आते हो रेडमी का तो रेडमी का आता रहेगा, पोको का है तो पोको का आता रहेगा, चाहे कोई भी डिवाइस है CPU हीट हो जाता है फिर उसके बाद क्या होता है वो ऑटोमेटिक यानी कि रीस्टार्ट मारता है उसके कारण फ्लोटिंग होने के बाद। तो इसलिए जो थर्मल भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ मैं कि भाई जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा ना हो कि आपका CPU जो है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो बाद में, डिवाइस को ऑन ऑफ ना करे, रीस्टार्ट वगैरह ना करे ऑटोमेटिकली, तो ये इशू भी इसी कारण देखने को मिलता है अगर आप ऐसी मिस्टेक्स वगैरह करते हो। जो थर्मल है भाई पहले वही यूज़ करो, अगर डेवलपर ने नहीं प्रोवाइड करवाया तो भाई उसको बोलो कि भाई हमें पहले थर्मल प्रोवाइड करवाओ, जो भी आप कर्नल प्रोवाइड कर रहे हो उतनी परफॉर्मेंस के ऊपर, ऐसा ना हो कि बाद में जो डिवाइस है वो हीट होता रहे। ठीक है, तो वो इसलिए बोल रहा हूँ अगर आपको नई कर्नल के साथ कोई भी थर्मल दे रहा है तो भाई वो कर्नल को यूज़ नहीं करो। ठीक है ना, इसलिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा हीट कर लेते हो डिवाइस को वो कट नहीं लगा परफॉर्मेंस के अंदर कट नहीं करके तो डिवाइस का CPU ज़्यादा हीट होगा तो वहीं पे आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है फिर ऐसी रीस्टार्ट वाली। ठीक है, तो बाकी बात क्लियर है भाई दोनों के कस्टम कर्नल के अंदर, बस यही डिफरेंस होता है उसके अंदर जो डेवलपर ने ही जो परफॉर्मेंस चूज की होती है आप उसी के ऊपर परफॉर्म कर पाते हो, ऐसा नहीं कि आप बढ़ा नहीं सकते बाद में। अगर आप कस्टम कर्नल यूज़ कर रहे हो फिर से फ्रेंको कर्नल एप्लीकेशन ही यूज़ कर रहे हो तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जहाँ फिर आप स्टॉक कर्नल के ऊपर ही रहते हैं तो उसके अंदर ही भाई आप फ्रेंको कर्नल एप्लीकेशन यूज़ कर लेते। ठीक है ना, तो वो क्या होता है कि वो उसके अंदर आपको पहले से ही थर्मल देखने को मिलता है डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो वो कट लगा देगा अगर उस डिवाइस से ज़्यादा हीट होता है, तो अगर वहीं पर आप जो किसी डेवलपर का कर्नल यूज़ कर लेते हो कस्टम कर्नल तो वो थर्मल वहाँ पे कई बार नहीं भी काम करता। ठीक है, हर बार नहीं होता, कई बार होता है कोई डेवलपर ने मिस्टेक कर दिया तो भाई उसके ऊपर हो सकता है थर्मल काम ना करे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो थर्मल है वो ऑटोमेटिक रन होता रहता है अगर डिवाइस के ऊपर, अगर आपने उसको डिसेबल नहीं किया होगा। ठीक है, अगर डिसेबल करोगे तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाए, इसलिए बोलते हो थर्मल डिसेबल नहीं करो। तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बंदे मेरे को बोलते हैं भाई हमें थर्मल डिसेबल करने वाला मॉडल दो, तो भाई इसलिए मैं वो मॉडल ज़्यादातर प्रोवाइड नहीं करवाता क्योंकि इशू हो सकता है डिवाइस के ऊपर, फिर आप बाद में मेरे को ब्लेम करोगे भाई तूने थर्मल दिया था हमारा डिवाइस ऐसे हो रहा भी ऐसे हो रहा है,
तो देखो थर्मल डिसेबल करने से इशू आएंगे डिवाइस के अंदर, बिल्कुल आएंगे, तो नहीं थर्मल को डिसेबल करो, उसके कारण इशू आते हैं, ठीक है ना। उसके जो वैल्यू वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, थर्मल के अंदर भी थोड़ी परफॉर्मेंस के अंदर आप कर सकते हो भाई, भी ज़्यादा देर तक चले डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन वगैरह ना हो, ठीक है, उसके लिए आप उसको यूज़ में ले सकते हो। तो बाकी आप लोग समझ गए होगे, चाहे आप कस्टम कर्नल यूज़ कर रहे हो विदाउट ओवरक्लॉकिंग वाला और नॉर्मल कर्नल यूज़ कर रहे हो, उसके साथ फ्रेंको कर्नल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है जहाँ पे, ठीक है, आप दोनों को ही यूज़ में ले सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो कोई भी और कन्फ्यूजन है तो बोल देना भाई, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा मैं। फिलहाल अगर आपको अभी भी लग रहा है कि शायद बेस्ट कर्नल रहता है कस्टम कर्नल, तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप उसके लिए भी फ्रेंको कर्नल एप्लीकेशन ही फिर से यूज़ कर रहे हो, तो कोई मैं बोलूँगा कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, फिर कस्टम कर्नल फ्लैश करने का, ठीक है। तो उससे अच्छा है फिर आप स्टॉप कर्नल के ऊपर ही रहते, वो सही से काम भी कर पाता आपके डिवाइस के अंदर, क्योंकि अगर आप फ्रेंको कर्नल से ही वहाँ पे जो चेंज कर रहे हो वैल्यूज वगैरह, तो फिर स्टॉप कर्नल ही सही था, जो आपके डिवाइस के अंदर पहले से आता है वो बेटर काम करेगा। तो कस्टम कर्नल के अंदर थोड़े बहुत इशू भी कई बार आ जाते हैं डिवाइस के ऊपर, तो ठीक है ना, अगर आपके सही रन कर रहा है तो अच्छी बात है भाई, तो नहीं कर रहा तो मैं यही बोलूंगा कि स्टॉक कर्नल के अंदर ही मैनुअली जो सेटअप कर सकते हो अपनी वैल्यूज को लेकर, सीपीयू की चाहे जीपीयू की वैल्यू है वो आप फ्रेंको कर्नल एप्लीकेशन के साथ थोड़ी बहुत बढ़ा सकते हो, थोड़ी बहुत क्या मैक्सिमम जितनी भी सीपीयू कर्नल के अंदर प्रोवाइड होती है तो वो आप उतनी यूज़ कर सकते हो। अगर कस्टम कर्नल के अंदर 1000 है तो स्टॉक कर्नल के अंदर भी उतनी ही वैल्यू सीपीयू की दिखा रहा है, फ्रिक्वेंसी की 1000 1000 दोनों के अंदर, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों को यूज़ ले सकते हो। तो अगर ओवरक्लॉक किया गया कस्टम कर्नल के अंदर 1000 से 1200 1300 कुछ ऐसे बढ़ा के बोल रहा हूँ, तो फिर भाई वही चीज़ आ जाती है कि भाई कस्टम कर्नल की पावर को ओवरक्लॉक किया तो वो थोड़ा बेटर परफॉर्म तो करेगा बट ज़्यादा टाइम नहीं करेगा डिवाइस के ऊपर, क्योंकि डिवाइस के ऊपर भी फिर उतने ही फॉल्ट आते हैं, बैटरी के अंदर आएंगे, सीपीयू ओवरहीट होगा उसके अंदर भी आएंगे। तो बाकी अगर और भी कोई कन्फ्यूजन आता तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जे वीडियो के अंदर यही था, आई होप सो यार जो आप जानना चाहते थे मैंने कवर किया होगा, फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो भाई पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर से बोल रहा हूँ। तो आज की वीडियो में यही था, तो आई होप सो यार आपको वीडियो अच्छा लगा, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई अगर फर्स्ट टाइम आया चैनल के ऊपर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड।